हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर समीर असोगी। टुडे वी विल डिस्कस द ड्रग डिजाइन कॉन्सेप्ट इन विच वी विल डिस्कस अबाउट लीड मॉलिक्यूल, ड्रग डिस्कवरी एंड व्हाट आर द मेथड्स विच आर इन्वॉल्व इन ड्रग डिजाइन। स्टूडेंट, एज वी नो द मेडिसिनल केमिस्ट्री प्ले वेरी वाइटल रोल टू डेवलप द ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड सिंथेटिक मेथड एंड मैराइन सोर्सेज। द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज फेस्ड इन ड्रग डिस्कवरी दैट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉट प्रॉपरली कोरिलेटेड विद द ड्रग स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पैरामीटर। द फिजिको केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चरल पैरामीटर आर यूज टू डेवलप द मॉडल विच कैन प्रिडिक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री डिस्कस करी तो देखा होगा कि आपने उसमें सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ा, उनके क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। जो हम स्टार्ट करते हैं तो एक लीड मॉलिक्यूल लेते हैं। लीड मॉलिक्यूल लेने के बाद हम बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अब देखते हैं कि उसमें कितने कंपाउंड्स एक्टिव होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे बनते हैं जो इनएक्टिव भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि ड्रग डिज़ाइन क्या है। तो ड्रग डिज़ाइन में हम ये करते हैं कि देखिए, मेन चीज़ है कि हमारा एक तो ड्रग जो लीगेंट है, लीड मॉलिक्यूल है, और एक है आपका रिसेप्टर। ठीक है, जो रिसेप्टर है वो किस टाइप का है। अगर हमें रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पता हो जाए तो हम ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। उस ड्रग में ऐसे मॉइटी होती है जिसको हम फार्माकोफोर बोलते हैं, जो बाइंडिंग साइट पर जाके एक्ट करके अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो ड्रग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स कंपाउंड्स बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होती है। तो हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिज़ाइन क्या है। जैसे नाम से पता लग रहा है, ड्रग डिज़ाइन। अब ड्रग डिज़ाइन में हमारी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी जिससे हमें ड्रग का स्ट्रक्चर कन्फर्म करना है, जो रिसेप्टर पर वो एक्ट करेगा वो रिसेप्टर कैसा होगा, उस कौन कौन सी मेथड से हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। अगर ये हमें सारी चीज़ें पहले से पता लग जाए तो हमें ड्रग को बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ड्रग डिजाइन इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। जैसा कि इसमें लग रहा है कि ड्रग डिजाइन इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। द ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एन ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल दैट एक्टिवेट और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, व्हिच इन टर्न रिजल्ट इन अ थेरेप्यूटिक बेनिफिट टू द पेशेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो टारगेट जहाँ ड्रग टारगेट करती है, वो ज्यादातर क्या प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स हैं और वो एंजाइम्स हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। अगर हमें ये टारगेट्स पता लग जाए तो हम ड्रग को डिजाइन करने में बहुत आसानी होगी। द मेडिसिनल केमिस्ट्री प्ले वेरी वाइटल रोल टू डेवलप द ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, सिंथेटिक मेथड्स एंड मैराइन सोर्सेज। द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज फेस्ड इन ड्रग डिस्कवरी दैट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नॉट प्रॉपरली कोरिलेटेड विद द ड्रग स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पैरामीटर्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो मेन प्रॉब्लम जो आती है ड्रग डिस्कवरी में या ड्रग को डिजाइन करने में, जब अगर हम सिंथेटिकली ड्रग मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो जो ड्रग बन के आती है वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर से कोरिलेट नहीं कर पाती है, या उसके कुछ जो जितने फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं वो रिलेट नहीं कर पाते, उससे क्या होगा कि ड्रग बाइंडिंग नहीं होगी और प्रॉपर हमें एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डेवलप करना चाह रहे हैं कि कोई अच्छा मॉलिक्यूल हमारा तैयार हो। तो ये जो ड्रग्स हम लेते हैं ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से आती हैं, सिंथेटिक मोड से आती है और मैराइन सोर्सेज आती है, जैसे हमें सोर्सेज ऑफ ड्रग पढ़ा। तो ड्रग डिजाइन, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ये हम यहाँ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ड्रग डिजाइन क्या है, डिस्कवरी क्या है, डेवलपमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेंटिव प्रोसेस है फाइंडिंग ए न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। टारगेट मतलब जहां पर ड्रग टारगेट करेगी। तो ड्रग डिजाइन क्या है, इज इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ए बायोलॉजिकल टारगेट। द ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एन ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल। क्योंकि ड्रग को हम ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, दैट एक्टिवेट और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ ए बायो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, दैट इज रिसेप्टर और एंजाइम, व्हिच इन टर्न रिजल्ट इन थेरेप्यूटिक बेनिफिट टू द पेशेंट। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। ड्रग डिजाइन क्या है, इन्वेंटिव प्रोसेस है फाइंडिंग ए न्यू मेडिकेशन, मतलब एक नई प्रोसेस हमने प्रोसेस की है जिससे हमें न्यू मेडिकेशन, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, और उससे क्या होगा, और वो बेस्ड होगा उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टारगेट। जैसे कि हम कोई ड्रग देते हैं, केमिकल देते हैं बॉडी में, अगर हमें टारगेट पता ही नहीं है कि वो बॉडी में जाके कहाँ एक्ट कर रही है, अब वो टारगेट पता नहीं, पता लगा वो ड्रग ही वेस्ट हो गई या बाइंडिंग ऐसी हो गई कि वो उन्होंने एक्शन ही शो नहीं किया। तो अगर हमें जब तक बायोलॉजिकल टारगेट की नॉलेज नहीं होगी, तो सबसे पहले हमारा मेन काम होता है बायोलॉजिकल टारगेट की नॉलेज को लेना। ठीक है, तभी हम ड्रग को डिजाइन करते हैं। इन मोस्ट बेसिक सेंस ड्रग डिजाइन इन्वॉल्व द डिजाइन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट आर
complementary in shape and charge to the biomolecular target with which they interact and therefore will bind to it. जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रग मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब वो बायोलॉजिकल रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो वहाँ बहुत सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं. फिजिकल फिजिक्स भी लगती है, केमिस्ट्री भी लगती है. तो वहाँ पर ड्रग जब टारगेट करेगी तो वहाँ चार्ज भी डेवलप होगा, उसका शेप भी मैटर करेगा. ठीक है, वॉट इज रियली मीन बाई ड्रग डिजाइन इज लिगेंड डिजाइन. यहाँ पर हम जो ड्रग को बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, लिगेंड. दैट इज डिजाइन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल दैट विल बाइंड टाइटली टू इट्स टारगेट. Although modeling techniques for prediction of binding affinity are reasonably successful, there are many other properties such as bioavailability, metabolic half-life, lack of side effects, etc. The first must optimize before a ligand can become a safe and efficacious drug. Okay? तो हम ये बात करें कि जो strategy है main, ये आती है कि सबसे पहले हमें lead molecule, that is the ligand, the lead molecule हमें पता है. तो हम दो parameters इसमें लेते हैं. First इसमें हम step involve करते हैं exploration of lead. That is search of new molecule and second is exploitation of lead. That is optimization. The drug design in a broader sense implies random evaluation of synthetic as well as natural product in bioassay system, creation of a newer drug molecule based on biologically active prototypes derived from either plant or animal kingdom. Okay? Synthesis of congeners displaying interesting biological action by different approaches of molecular modification and finally precise design of a drug to enable it to interact with the receptor site efficaciously. Drug design frequently but not necessarily relies on computer modeling techniques. This type of modeling is often referred to as computer-aided drug design. Finally, drug design that relies on the knowledge of the three-dimensional structure of the biomolecule target is known as structure-based drug design. तो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि आपको देखो सबसे पहले समझना कि ड्रग डिजाइन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें 3D स्ट्रक्चर यानी कि नॉलेज होगी उस बायोलॉजिकल टारगेट क्या हमारा रिसेप्टर जहां ड्रग टारगेट करती है अपना एक्शन शो करने के लिए, तो इसके 3D स्ट्रक्चर को पता करने के लिए तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है हमें स्ट्रक्चर पता हो. तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन कि हमें पहले सबसे पहले नॉलेज लेनी है 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोमॉलिक्यूलर टारगेट या फिर रिसेप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर टेक्निक्स भी इन्वॉल्व की जाती हैं. यहाँ पर हम मॉडल्स बनाते हैं, तो वो मॉडल्स जब हमें टारगेट पता है तो उसके बेसिस पर हम एक मॉडल तैयार करते हैं और वो प्रोटीन मॉडल्स होते हैं. प्रोटीन मतलब जो एक सॉफ्टवेयर पर डिजाइन होते हैं. ठीक है, हम ड्रग को बाइंड करते हैं, ड्रग का स्ट्रक्चर हमने अपना ड्रॉ कर लेते हैं 3D फॉर्म में, फिर हम उसकी बाइंडिंग कराते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल को सॉफ्टवेयर फॉर्म में, जिससे कि हमें उसके पूरे डेटाज हमें पता चल जाते हैं. तो ये कंप्यूटर ड्रग डिजाइन में ये चीज़ आती है. Now the term is drug discovery and drug development. देखिए तीन terms आए हैं, drug design, drug discovery and drug development. तो drug design हमने पढ़ा, एक inventive process है to find the drug molecules on the basis of knowledge of target. ठीक है, biological target. तो drug discovery क्या है? It is an effort to produce new drug molecule from a lead molecule or lead compound by applying variety of approaches of design. Drug design approaches is the prerequisite for drug discovery. मतलब यह कि जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल बन जाएगा किसी लीड मॉलिक्यूल से नया, क्योंकि लीड मॉलिक्यूल पेरेंट मॉलिक्यूल तो होगा, उसमें हमने चेंजेस किए तो वो ड्रग डिस्कवरी मतलब पूरी ड्रग बन के तैयार हुई और उसका एक्शन क्या रहा, तो वो डिपेंड करेगा ड्रग डिजाइनिंग पे. ड्रग डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मार्केटिंग ए बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन बाय ड्रग डिजाइन एज ए सुटेबल ड्रग बाय ऑब्जर्विंग फार्माकोकाइनेटिक ADME टॉक्सिकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल पैरामीटर. तो जब ड्रग पूरी तरीके से डेवलप कब होगी, जब उसके पूरे फार्माकोकाइनेटिक टॉक्सिकोलॉजिकल और क्लिनिकल पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ डिस्कस द स्टेजेस रिक्वायर्ड इन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट. अभी तक हमने बात करी सिंपल डेफिनेशन की, तो क्या क्या हमें इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, स्टेजेस कौन कौन सी आती है. तो ड्रग डिजाइन में एंड ड्रग डिस्कवरी में पहली स्टेज है चूज अ डिजीज. मान लो कोई पर्टिकुलर डिजीज आई, मान लो जैसे कैंसर है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डिजीज क्रिएट हुई है, तो सबसे पहले हमें डिजीज के बारे में पता करना है. दूसरा चूज ए ड्रग टारगेट, ड्रग टारगेट दैट इज रिसेप्टर. वो रिसेप्टर क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम हो सकता है. उसके बाद आइडेंटिफाई ए बायोएसे, बायोएसे का हमें टेक्निक अपना पता करनी है कि वो उस पर कैसे इंटरेक्ट करेगी, मतलब एनालिसिस करनी होगी. फाइंड ए लीड कंपाउंड, उसके बाद हम लीड कंपाउंड को फाइंड करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें दिया जाएगा. And isolate and purify the lead compound if necessary. अगर lead compound बना तो उसके बाद
उसको आइसोलेट करके प्योरीफाई किया जाएगा, देन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीड कंपाउंड, द फाइनली हम उसका स्ट्रक्चर पता करेंगे किसका, जो ड्रग है, ठीक है। अब वो ड्रग हमारे कहाँ कहाँ से आ सकती है, नेचुरल प्लांट सोर्स से आ सकती है, सिंथेटिक सोर्स से आ सकती है, या फिर एनिमल सोर्स या मैराइन सोर्सेज से आ सकती है। तो मैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर भी पता करना होगा भाई, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी एक मेथड आती है इसमें, जैसे हम पढ़ चुके हैं सार, आइडेंटिफाई द फार्माकोफोर। फार्माकोफोर ये रहते हैं जैसे जो उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से जो अदर सब्सिट्यूएंट ऐड होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, उनको फार्माकोफोर बोलते हैं, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में अपना हेल्प करते हैं। इम्प्रूव टारगेट इंटरेक्शन, हमें फिर टारगेट इंटरेक्शन जो होगा वहां पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, कि रेजिस्टेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा, तो वहां कोई स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, तो उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। नाउ द ड्रग डेवलपमेंट इन दिस, द इम्प्रूव फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज एडीएमई। जैसे मैंने पहली बात की, ड्रग डेवलपमेंट तभी होगा जब पूरी इसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी। तो टॉक्सिकोलॉजिकल, यानी कि टॉक्सिसिटी तो नहीं है, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल नाम से पता लग रहा है, उसको एवेल्युएट करना है, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट। देन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे उसको आगे हम डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कैरी आउट क्लिनिकल ट्रायल्स, फाइनली ड्रग जब क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगी, जो आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, एंड मार्केट द ड्रग। तो ये ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। ड्रग डिस्कवरी में क्या था, जो हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम जो उससे पहले वाले स्टेप थे कि डिजीज से लेकर लास्ट तक जितने भी मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ, सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद की प्रोसेस कहलाती है ड्रग डेवलपमेंट की, मतलब पूरा ड्रग कंप्लीट होकर तैयार हो रहा है। तो डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग कैन टेक 10 ईयर्स और मोर, इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ ओवर 10,000 कंपाउंड एंड कॉस्ट इन द रीजन ऑफ $360 मिलियन। तो आप अगर हम ये करें कि हम डिफरेंट टेक्निक यूज ना करके, मॉडल हमें पता ही नहीं है और हमने सिंपली एक मॉलिक्यूल लिया और उसको हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 10 से 15 साल और भी ज्यादा साल लग जाते हैं। वो कितना खर्चा आता है, कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, कितना चीजें आप देख रहे हैं सामने की, इसकी कॉस्ट इन द रीजन ऑफ $360 मिलियन। तो इन चीजों को मतलब अब हम बेस्ड हो गए हैं कि हम कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें, मॉलिक्यूल का एक मॉडल तैयार करें, तो हम उसके बेसिस पे ड्रग डिजाइन कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। लीड कंपाउंड क्या होता है, इसमें एक पॉइंट आया था कि लीड क्या है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि लीड क्या मतलब है, तो मैं बताना चाहूंगा, इट इज अ केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज दैट पजेस अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो लीड मॉलिक्यूल क्या होगा, जो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिसमें एक्टिविटी है, वो क्या सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी होता है, ठीक है, और उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, इसको हम इसमें मॉडिफाई मॉडिफिकेशन कर करके अदर कंपाउंड्स बना सकते हैं। ए लीड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए कंपाउंड दैट हैज सम डिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नॉट एक्सट्रीमली पोलर और लिपोफिलिक एंड नॉट कंटेन टॉक्सिक और रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ऑफन मॉलिकुलर वेट लेस देन 350 एंड लिपोफिलिसिटी लॉग पी लेस देन 3 आर कंसिडर्ड द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ड्रग लाइक लीड। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि लीड वो परफेक्ट लीड वो होगा जिसमें डिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, उसका मॉलिकुलर वेट लेस देन 350 होगा और लिपोफिलिसिटी लॉग पी वैल्यू उसकी लेस देन 3 होगी, क्योंकि ज्यादा लिपोफिलिसिटी होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही नहीं होगा। The lead should also have a series of congeners that modulate biological activity, indicating the further structural modification will improve selectivity and potency. तो मतलब बाद में हम लीड को भी मॉडिफाई करके उसकी सिलेक्टिविटी पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने देखा था ड्रग डिजाइन को कैसे अचीव किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पहला था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ ए लीड एंड सेकेंड इज एक्सप्लाइटेशन ऑफ द लीड। तो लीड हमने पढ़ा, लीड मॉलिक्यूल क्या है हमारे, जिसमें डिजायरेबल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो। देखिए, हम लोग दो तरीके से चलते हैं, मतलब ये कि अगर हम कोई ड्रग को सिंथेसाइज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि बायो हमें उसको टारगेट कराना है किसी पर्टिकुलर डिजीज ऑर्गन में या कहीं भी हो रही है, हमें उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता जिसपे हम वो टारगेट करें, तो इसमें कितना टाइम लगेगा उस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने में। तो ये कॉन्सेप्ट आगे फिर धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ कि हम उसको ड्रग को डिजाइन करें। सबसे पहले हम डिजीज हमें पता हो तो उसका टारगेट अगर हमें पता चल जाए तो हमें ड्रग डिजाइन में बहुत हेल्प मिलती है। तो उसके ड्रग डिजाइनिंग के लिए तो हमें दो स्टेप हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ द लीड और एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ड्रग डिजाइन कैन बी अचीव्ड बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ द लीड, जैसे ये लिख रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल व्हिच इन्वॉल्व द सर्च फॉर ए न्यू लीड, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है सर्च ऑफ न्यू लीड, मतलब न्यू कंपाउंड, इसको देखते हुए हम नए कंपाउंड्स को बना सकते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लीड्स टू प्रोड्यूस मोर एक्टिव कंपाउंड विद लेस टॉक्सिसिटी एंड द ओरिजिनल लीड कंपाउंड। तो एक्सप्लॉयटेशन और
एक्सप्लोरेशन, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द लीड एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लीड मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि लेस टॉक्सिसिटी होनी चाहिए और कंपाउंड हमारा डिजायरेबल और एक्टिव हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सल्फानिलामाइड आइसोलेटेड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटेंसिल, सबसे पहले प्रोटेंसिल आई थी, हमने डिस्कस भी किया था इस, और सिंथेसाइज केमिकली एंड एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो हमने प्रोटेंसिल को लीड मॉलिक्यूल मानते हुए हमने सल्फानिलामाइड ड्रग और सल्फोनामाइड ड्रग बनाई, ठीक है, क्योंकि हमें लीड मालूम पता चल गया था, हमें इसका एक्शन पता लग गया था। लेकिन अब जो नई नई ड्रग हमें सिंथेसाइज करनी हो रही है, नए नए ड्रग को मॉड डिजाइन करना है, तो हमें इन कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। और लीड कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज की अगर बात करें तो मॉर्फिन आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम, कोकेन फ्रॉम कोका लीव एंड कुनीन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोनाट्री। तो जैसे कि हम जानते हैं इनका एक्शन हमें पहले से पता है, ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्सेज है, ये लीड मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट हम देखते आ रहे हैं कि ड्रग्स का जो सोर्सेज रहता है नेचुरल रहता है, ठीक है, सिंथेटिक रहता है, बट दोनों का मेन टारगेट होता है कि वो एक पर्टिकुलर टारगेट पे एक्ट करें और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाए। जैसे कि सामने दिख रहा है, मैंने आपको एक टारगेट दिखा रहा हूँ, ये टारगेट क्या है, हमारे एक प्रोटीन है, और प्रोटीन में आप देख रहे हैं दो तरीके से, एक तो रिबन फॉर्म दिख रहा है, दिख रहे हैं अभी, ये अमीनो एसिड सबने कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, जिसे इनके स्ट्रक्चर दिखते हैं, लूप्स होते हैं इनमें, ठीक है, हेलिकल फॉर्म रहती है। तो टारगेट्स में भी रिसेप्टर, जिसको हम रिसेप्टर जो होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, आयन चैनल्स, ट्यूबुलिन लाइक एंड इम्यूनोफिलिन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रग हमारा जो एक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर टारगेट पे एक्ट करे, चाहे वो नेचुरल से हो, चाहे वो सिंथेटिक सोर्सेस हो। तो हमें टारगेट्स जो हमारा है रिसेप्टर, इसका हमें 3D नॉलेज होना जरूरी है कोई भी ड्रग को डिजाइन करने में, तभी हमें हेल्प मिलेगी नए मॉलिक्यूल को बनाने में। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेमो ऑफ ड्रग एंड ड्रग मॉलिक्यूल। अब यहाँ बात करेंगे डेमो ऑन ड्रग एंड ड्रग टारगेट्स। स्टूडेंट जैसे कि हम सामने दिख रहा है आपका स्ट्रक्चर, अब इसमें हम देखेंगे कि ड्रग्स एंड ड्रग टारगेट्स, कि ड्रग कैसे डिजाइन होकर उस टारगेट पे जाके बाइंड करती हैं। तो ड्रग टारगेट्स आर द प्रोटीन्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्रग टारगेट्स हमारे प्रोटीन्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और ड्रग हमारा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे प्रोटीन है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसमें लूप्स और हेलिकल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये अपने फॉर्म होती है इनकी, जो एक मिलकर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स फोल्ड इन अ पर्टिकुलर वे डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड ही डिजाइन डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन का शेप कैसे होगा, जो पर्टिकुलर हम टारगेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स, एक्चुअली प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स फोल्ड इन अ पर्टिकुलर वे डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द प्रोटीन, दैट इज शेप ऑफ द टारगेट। द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर हेलिक्स, शीट्स एंड लूप्स, जैसा कि आपने देखा कि ये हेलिक्स फॉर्म में भी होते हैं, लूप्स फॉर्म में भी होते हैं, शीट्स फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम, फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेमो वी कैन थिंक ऑफ प्रोटीन एज लार्ज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब ये देखें, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे ग्लोबुलर फॉर्म में है, इसके अंदर कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, दे मे हैव अ वेरी बाइंडिंग साइट्स व्हिच इज अ गुड फॉर ड्रग एबिलिटी ए स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड फॉर डिजाइन टू फिल द बाइंडिंग साइट। तो ड्रग अगर ये हमें इसका टारगेट पता है, स्ट्रक्चर का इसका मालूम है, 3D फॉर्म पता है, तो हम ड्रग को डिजाइन करके ड्रग वहां जाके बाइंड कर जाएगी, जैसे आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं। ए ड्रग इज ए स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रोटीन, द बेटर द फिट ऑफ द लिगेंड टू द प्रोटीन बाइंडिंग साइट, द मोर पोटेंट द ड्रग कैन बी। वी ऑफन टॉक ऑफ द की इन अ लॉक इमेज टू एक्सप्लेन लिगेंड प्रोटीन बाइंडिंग, जैसे आपने पढ़ा लीक लॉक एंड की है मेथड, ठीक है। अब बात करें हम अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की, तो व्हेन वी थिंक ए ड्रग इंटरेक्टिंग विद द प्रोटीन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड टू प्रोटीन, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, ड्रग लिगेंड है, ठीक है, एंड डू ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एटम्स इनक्लोजिंग हाइड्रोफोबिक लिगेंड एटम्स, हाइड्रोफोबिसिटी दैट इज लिपोफिलिसिटी इनक्लोज्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आल्सो स्ट्रेंथनिंग द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू प्रोटीन। अदर स्पेशल इंटरेक्शन दैट अट्रैक्ट लिगेंड्स टू प्रोटीन इंक्लूड पाई कैटायंस, ये कैटायन आयन बन रहा है, एंड पाई पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन बिटवीन एरोमेटिक ग्रुप ऑफ द लिगेंड एंड प्रोटीन। लिगेंड यहां पर हम बात करें ड्रग, जो हमारा ड्रग है, पोटेंट लिगेंड आल्सो फिट टाइटली इनसाइड द बाइंडिंग साइट,
while avoiding clashes, steric conflicts with a protein. So, यहाँ पर हमने डेमो देखा ड्रग और ड्रग टारगेट्स का, ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग डिजाइन, ठीक है. जो अभी तक हम बात करते आ रहे लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन या स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन की हमें टारगेट्स का अगर स्ट्रक्चर हमें पता है, 3D फॉर्म नॉलेज पता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. और लिगेंड मतलब ड्रग का जो ड्रग है उसके बेसिस पर हम लोग को डिजाइन करते हैं. तो ड्रग डिजाइन दो टाइप की होती है, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन क्या है, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन इसको हम इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन भी कहते हैं, रिलाइज ऑन नॉलेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द बायोलॉजिकल टारगेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज एन इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी इन ड्रग डिजाइनिंग व्हेन देयर इज नो मैक्रोमॉलिक्यूलर टारगेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट. इन दिस मेथड फ्रॉम ए सेट ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ नोन लिगेंड्स कॉमन केमिकल फीचर्स आर प्रोक्योर्ड, ठीक है. It involves the two-step finding the conformational flexibility of ligands. Second is finding common chemical features to develop pharmacophore model. तो ligand यहाँ बात करें तो एक drug है जिसको हमने indirectly drug design कर रहे हैं. ये हम basis करेंगे कि जो जितने भी उस category के और भी molecules हैं, और इसमें हम यहाँ पर target structure की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम step सीखेंगे इसमें क्या क्या रहता है. तो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन के जो स्टेप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन. जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हैं, जैसे हम देखते हैं कई कई सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं, तो वो हमारा फार्माकोफोर कहलाता है जो बाइंडिंग में हेल्प करता है. सबसे पहले हमारा फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप रहता है फार्माकोफोर मॉडिफिकेशन. अगर हमने पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी. उसके बाद फिट फॉर द टारगेट रिसेप्टर, हम ये फाइनल करेंगे कि जो हमारा फार्माकोफोर ड्रग लिगेंड है हमारा वो टारगेट रिसेप्टर पे फिट होगा कि नहीं. उससे क्या होगा, जो ड्रग बनेगा वो पोटेंशियल ड्रग, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन मतलब कि वो ड्रग किस टाइप से हम इसको डिजाइन कर रहे हैं. तो हमें सबसे पहले ड्रग का डिजाइन करना होगा जिससे उसमें हमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक रेशियो को मेंटेन करना है. अब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन का जैसे मैंने पहला भी थोड़ा सा आपको बताया था, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन इज अ डायरेक्ट ड्रग डिजाइन रिलाइज ऑन द नॉलेज ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट ऑब्टेन थ्रू मेथड सच एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि 3D स्ट्रक्चर हमें किसी भी पर्टिकुलर रिसेप्टर का पता कैसे चलेगा, दो टेक्निक से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं. तो स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब हमें उस पर्टिकुलर टारगेट का स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम उसको ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो इन स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में पहला क्या है, न्यू लिगेंड इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्रॉम लार्ज डेटा बेसिस विद एग्जैक्ट फिटिंग विद द रिसेप्टर, ठीक है. जैसा कि मैंने इससे पहले वाले में लिगेंड बेस्ड में दिखाया था कि हमने पोटेंशियल ड्रग बना ली. उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट द न्यू लिगेंड आर असेंबल्ड बाय सुटेबल सिलेक्टिव ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लिगेंड, ठीक है. फाइनली द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमाइज्ड विद एग्जैक्ट बाइंडिंग पॉकेट. तो जो हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो वहाँ वो ड्रग जाके बाइंड हो रही है. तो वो ड्रग जब बाइंड होगी, जब उसको पूरा कहते हैं ना लॉक एंड की, तो वो हमारा जो प्रोटीन है वो है हमारा लॉक. की क्या है, ड्रग, ठीक है. तो जब वो की उसी हिसाब से ही डिजाइन की जाती है जहाँ वो पॉकेट होता है, ठीक है. तभी तो ताला खुलता है, तभी तो वो एक्शन शो करेगी. Let's discuss the steps involved in structure-based drug design. The first is examination of the 3D structure of the biological target, that is by using X-ray and NMR, structure and NMR spectroscopy. तो सबसे पहले हमें 3D structure पता करना है biological target का. उसके बाद identify करनी active sites, जो उस particular receptors में active sites हैं जहाँ पर drug bind करती है, वो पता करना है. उसके बाद evaluate करना है उस structures को कि वो पर्टिकुलर वही स्ट्रक्चर्स हैं. उसके बाद उसको देखते हुए सिंथेसिस ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, ठीक है, जो जो लिगेंड है उसको हमें मॉडिफाई करना है. फिर उसके बाद बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करनी है, देन लीड कंपाउंड डिस्कवरी. तो फाइनली हम जब ड्रग
और रिसेप्टर बाइंड करके रिएक्शन आ गया, तो हम फिर कह देते हैं ये लीड हमारा कंपाउंड बन चुका है, और वो लीड कंपाउंड तभी होगा जब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन इस मेथड पे बेस्ड है। द अल्टीमेट गोल ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन इज दिस सिंपल रोबस्ट प्रोसेस दैट स्टार्ट विद हाई रेजोल्यूशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए वैलिडेटेड बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकुलर टारगेट। तो एंड रिलायबिलिटी जनरेट एन इजिली सिंथेसाइज हाई एफिनिटी स्मॉल मॉलिक्यूल विद अ डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वेज में क्या है कि हमारा जो बायोलॉजिकली मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट है दैट इज रिसेप्टर, उसको वैलिडेट करना है बाई यूजिंग एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लीड मॉलिक्यूल बना दिया हमने। हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटल स्क्रीनिंग मेथड्स हैव बिकम द वर्क फोर्स फॉर फाइंडिंग हिट्स इन नंबर ऑफ रैपिड स्ट्रक्चर बेस्ड वर्चुअल स्क्रीनिंग मेथड कॉल्ड डॉकिंग कैन हेल्प इन स्क्रीनिंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी फॉर पोटेंशियल हिट। यहाँ पर जो डॉकिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कि कैसे ड्रग मॉलिक्यूल अपने बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर में जाके फिट होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम एक पर्टिकुलर मॉडल और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड रहता है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट बाइंड द चेंज विद द प्रोटीन टारगेट। थैंक यू।